सब्सक्राइब करें टैकून 24 को और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। क्या आप पता लगाना चाहोगे कि वायरल वीडियोस ने ऐसे कौन से टैग्स यूज करे कि उसकी वीडियो वायरल है, उसकी वीडियो क्यों आ रही है फर्स्ट पेज पे और फर्स्ट रैंक पे क्यों आ रही है उसकी वीडियोस? ऐसे कौन से टैग्स यूज कर लिए उसने कि आपने वो टैग्स यूज नहीं करे और आपकी वीडियो सर्च में ही नहीं आ रही? क्या आप पता नहीं लगाना चाहोगे कि कौन सी वीडियोस के उसने कौन कौन से टैग्स यूज करे हैं ताकि आप भी वो टैग्स अपनी वीडियोस में डाल सको और अपनी वीडियोस को भी वायरल कर सको, अपनी वीडियोस को भी फर्स्ट पेज पे रैंक करवा सको, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फर्स्ट से लेकर टेंथ रैंक के बीच में? क्या आप पता नहीं लगाना चाहोगे? अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे पता कर सकते हैं वायरल वीडियोस के टैग्स या किसी भी वीडियोस के टैग्स, और एक आइडिया लेना चाहते हैं कि वो कैसे टैग्स यूज करते हैं ताकि आप भी अपनी वीडियोस में उसी टाइप के टैग्स यूज करें और अपनी वीडियोस को भी वायरल करें, तो मैं आपको बताऊंगा यही कि आप कैसे फाइंड कर सकते हैं वायरल टैग्स। मैं अमन कुमार और देखते रहिए टैकून 24। तो सबसे पहले हमें आना है एक वेबसाइट पे जिसका नाम है tubebuddy.com, और मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हो। उसके बाद देखिए मैं आपको बताता हूँ इस TubeBuddy के बारे में थोड़ा बहुत। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप बहुत चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि आप इसमें एंड स्क्रीन ऐड कर सकते हो, अपने थंबनेल चेंज कर सकते हो, वायरल टैग्स ढूंढ सकते हो, दूसरों के सारे टैग्स देख सकते हो कि उन्होंने क्या क्या डाल रखा है अपनी वीडियो के टैग्स में, और आप यहाँ पे अपनी अदर्स वीडियोज़ का जो बाकी की वीडियोज़ हैं उनके सब के लिंक्स एक साथ सारी वीडियोज़ में डाल सकते हो और अपनी वीडियोज़ ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, थंबनेल बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो इस TubeBuddy सॉफ्टवेयर से। पर मैं अभी आपको सिर्फ टैग कैसे फाइंड करना है वो सिखाता हूँ। तो आपको सबसे पहले इस TubeBuddy का एक्सटेंशन अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल करना होगा। तो अभी मैंने इसको क्रोम पे खोल रखा है, तो इसने यहाँ पे देखो दे रखा है इंस्टॉल ऑन क्रोम। अगर आप फायरफॉक्स पे खोलोगे तो ये फायरफॉक्स पे आ जाएगा, यहाँ पे इंस्टॉल ऑन फायरफॉक्स। तो चलिए अब हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एक्सटेंशन पे, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया इंस्टॉल फ्री ऑन क्रोम पे। उसके बाद देखिए ये स्टार्ट होने लग जाएगा। यहाँ पे देखिए ये एक्सटेंशन आ गए, यहाँ पे देखिए TubeBuddy फॉर यूट्यूब। तो अब हमें यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है ऐड टू क्रोम में, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ऐड टू क्रोम पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, तो हम यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद देखिए ये यहाँ पे देखिए इंस्टॉल होने लग गया है, यहाँ पे देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है एक्सटेंशन हमारे क्रोम में। तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं आपको आगे बताऊँगा कि आपको आगे क्या करना है। देखिए ये हमारा एक्सटेंशन ऐड हो चुका है, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे TubeBuddy आ गया है, ये TB लिखा हुआ आ गया है यहाँ पे। तो हमारा एक्सटेंशन ऐड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें डायरेक्ट अपना YouTube खोलना है। तो मैं यहाँ पे YouTube खोल लेता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा YouTube खुल चुका है, और यहाँ पे देखिए इस ऊपर टॉप पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा TubeBuddy साइन इन रिक्वायर्ड क्लिक हेयर। तो आपको जस्ट इसमें एक बार साइन इन कर लेना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसमें साइन इन कर लेता हूँ। तो आप भी अपने YouTube के अकाउंट से साइन इन करना, जो आपने जिस ईमेल आईडी से अपना YouTube बना रखा है, YouTube चैनल, उसी ईमेल आईडी से आपको साइन अप करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके साइन अप कर लेता हूँ। उस देखिए मैंने क्लिक कर दिया था। अब यहाँ पे देखिए साइन इन विथ यूट्यूब लिखा हुआ आ रहा है, तो जस्ट यहाँ पे हमें क्लिक करना है साइन इन विथ यूट्यूब पे। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी आ चुकी है जिससे मेरा यूट्यूब चैनल है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी से लॉग इन हो जाता हूँ, इसमें साइन अप कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए ये आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मैनेज योर यूट्यूब अकाउंट, एनालिटिक रिपोर्ट, मैनेज योर यूट्यूब अकाउंट। तो हमें जैसे इसे अलाउ कर देना है, तो यहाँ पे जस्ट मैं अलाउ पे क्लिक कर देता हूँ। आप भी अलाउ पे क्लिक कर दीजिएगा, और उसके बाद ये आपको यूट्यूब पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देगा। अब देखिए आपका यहाँ पे देखिए आ जाएगा सक्सेसफुली साइन इन, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ गया सक्सेसफुली साइन इन। इतनी ही वीडियोस के टैग्स दिखाता हूँ कि मैं कैसे टैग्स फाइंड आउट करूँगा, किसी भी वायरल वीडियो के हम टैग्स कैसे देख पाएंगे, क्योंकि मैं दूसरों की वीडियोस का नहीं दिखाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज हो जाते हैं। आजकल लोग बहुत जल्दी कॉपीराइट मार रहे हैं एक दूसरे की वीडियोस पे। तो चलिए मैं आपको अपनी ही वीडियोस के टैग्स दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे जस्ट वीडियो पे क्लिक करूँगा, अपनी कोई भी वीडियो मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ, और यहाँ पे देखिए ये मेरी वीडियो प्ले हो रही है।
और यहाँ पे देखिए, ये मेरी जो टैग्स हैं जो मैंने इस वीडियो में लगा रखे हैं वो सारे टैग्स यहाँ पे शो कर रहा है। ये देखिए, ये मेरी वीडियोस के सारे टैग्स हैं जो मैंने अपनी वीडियोस में लगा रखे हैं। आपको नॉर्मली ये देखने को नहीं मिलेंगे, पर ट्यूबबडी इंस्टॉल करने के बाद, इसका एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद, ये आपको सब कुछ इस वीडियो के बारे में दिखा देगा। यहाँ पे देखिए मेरे चैनल पे कितनी वीडियोज़ हैं, 63 वीडियोज़ हैं, सब्सक्राइबर्स कितने हैं, व्यूज़ कितने हैं, सब कुछ ये आपको पूरी डिटेल देगा यहाँ पे। यहाँ पे कमेंट्स वगैरह, लाइक डिसलाइक्स, और यहाँ पे फेसबुक पे कितनी बार शेयर हुआ, ये सब यहाँ पे डिटेल देगा। और अब आपको मैं इसमें दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है शो सर्च रैंकिंग। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे को बता देगा कि मेरे टैग्स कहाँ कहाँ किस नंबर पे रैंक हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैं क्लिक करता हूँ शो सर्च रैंकिंग पे, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरी वीडियोस के कुछ नंबर्स आ गए। यहाँ पे देखिए टैग्स के आगे कुछ नंबर्स आ गए, ये हो गया फर्स्ट नंबर। मतलब अगर कोई भी ये टैग मेरा डालेगा तो मेरी वीडियोस आएगी पहले नंबर पे, टॉप पे। और यहाँ पे देखिए, शो मी MI8 लीक वीडियो कोई डालेगा तो मेरी वीडियो आएगी थर्ड नंबर पे। ऐसे ही शो मी MI8 कोई डालेगा तो फिफ्थ नंबर पे। तो ये जो नंबर शो कर रहे हैं ये एक्चुअली मेरी वीडियोस की रैंकिंग शो कर रही है कि मेरी वीडियोस कौन से रैंक पे, कौन से नंबर पे रैंक हो रखी है, जो भी आप इसमें सर्च करोगे। तो आपको बस करना क्या है, ये देखिए, जैसे कि आप मेरे कोई भी जो जो नंबर वन पे हैं, नंबर वन और नंबर 2 और नंबर 3, आपको ये सारे नंबर 1 और 2 और 3 सिर्फ ये कॉपी करना है और अपनी वीडियोज़ में डाल देने हैं। और इससे होगा क्या, इससे क्योंकि ये जो टैग्स हैं जो नंबर 1 पे होते हैं, ये वायरल टैग्स होते हैं। आप कोई भी किसी, मैं अपनी वीडियो की नहीं बोल रहा, आप किसी की भी वीडियो उठा लो, जैसे यहाँ पे देखिए टेक्निकल गुरुजी की, आप कोई भी अपना टॉपिक डालो, जैसे यहाँ पे रेडमी नोट 5 वर्सेस रेडमी नोट 5 प्रो है टेक्निकल गुरुजी का, ये देखिए सजेशन में आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इन्होंने जितने टैग्स डाले होंगे वो सारे आ जाएंगे। और उसके बाद आप शो रैंकिंग पे क्लिक करके उनके टैग्स की रैंकिंग चेक कर सकते हो कि वो कौन कौन से नंबर पर रैंक हैं। तो बस आपको क्या करना है, जो जो रैंक 1 और रैंक 2 और रैंक 3 पे हैं वो सारे टैग्स कॉपी करने और आपको डायरेक्ट अपनी वीडियोस में डाल देने, अपने वीडियोस के टैग में डाल देने। इससे होगा क्या, आपकी वीडियोस के भी चांसेस होंगे कि आपकी वीडियोस भी उन्हीं नंबर पे आ जाए 1, 2 और 3 में। तो आप ऐसे वायरल टैग्स फाइंड करके अपनी वीडियोस को व्यूज़ और वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आप ऐसे फाइंड कर सकते हो किसी भी वीडियो के टैग्स, चाहे वो वायरल हो चाहे वो वायरल ना हो, आप कोई सी भी वीडियोस के टैग्स फाइंड कर सकते हो। और वायरल वीडियोस के अगर आपको टैग्स फाइंड करने तो वो फाइंड करो और वही टैग्स अपनी वीडियो में डालो। और अगर आपको इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहां पे जाइए, क्लिक करिए और ये एक्सटेंशन यूज करिए, इसको इंस्टॉल करके अपने ब्राउजर में, और किसी के भी टैग्स फाइंड करिए और सेम टू सेम ना डाले आप उसकी तरह टैग, जो उसके वायरल टैग्स हैं आप उसे डायरेक्ट कॉपी करके ना डालें, थोड़े से चेंजेस करिए और उसको डालिए, फिर आपकी वीडियोस भी रैंक होंगी और वायरल होंगी। अगर आप चाहते हैं सेम टू सेम भी डालना तो आप डाल सकते हैं, पर मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि थोड़े बहुत चेंजेस आप कर लीजिएगा, इससे आपके ज्यादा चांसेस होंगे वायरल और वीडियोस को रैंक होने में। तो आप ऐसे कर सकते हैं किसी भी वीडियो के वायरल टैग्स फाइंड। और इस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं और भी डिटेल में बताऊंगा, छोटी छोटी वीडियोस बना के, जैसे भी मैंने वायरल टैग फाइंड करना बताया, मैं और चीजें भी बताऊंगा। तो आप पहले से इंस्टॉल कर लीजिएगा एक्सटेंशन, इसका इंस्टॉल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है इसका लिंक, आप वहां पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और कमेंट भी करना अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई समस्या आई हो। और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपके पास चली जाए नोटिफिकेशन और आप वो मेरी वीडियो देख सके। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।